क्या हो गया भैया? अरे यार कुछ नहीं हुआ है, 16 मई 2014 को वोट दिए थे, सोचे अच्छा दिन आ जाएगा, सोचे अपने गांव जाएंगे वहीं तो पैसा कमाएंगे, लेकिन जब होता है तब जाओ बम्बई, जाओ सूरत, जाओ बेंगलोर, कहाँ कहाँ भटके भैया, अच्छा दिन कब आएगा पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए सोच रहे थे कि कब अच्छा दिन आएगा, कुछ भरोसा नहीं है। मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कब तक लाएंगे प्लांट वगैरह, इसीलिए बैठे थे। आज एक वीडियो देखे जिसमें एक लड़का मार खा रहा था, बिहार यूपी वाला जाए ना तो कहीं बिल्डिंग ना खड़ा हो पाए, लेकिन हमको समझ में नहीं आता यही क्यों मार खाता है, क्यों मार खाता है मोदी जी, हमको जवाब चाहिए। मन की बात ना कीजिए, दिल की बात कीजिए, दिमाग से बात कीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है देश में। मोदी जी वोट दिया है, ऐसा चोट ना दे दो कि जनता इस हालत में पहुंच जाए। नमस्ते मोदी जी, कुछ करिए देश का। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और यह तस्वीर है बेंगलोर की। जी हाँ, यह तस्वीर बेंगलोर की है और जो ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आते हैं और ये लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि आखिरकार मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे, कहाँ आएंगे और कैसे आएंगे, आखिरकार कब तक पिटते रहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग। हाथ जोड़कर मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि 2014 में मैंने ये सोचकर वोट किया था कि आखिरकार अच्छे दिन कब आएंगे। मोदी जी मन की बात करना छोड़ दीजिए, ज़रा दिमाग लगा के बात करिए, क्योंकि दिमाग से बात करेंगे तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोग बाहर बाहर जाकर राज्यों में काम करते हैं और बाद में थोड़ी सी गलती के कारण वो पीटे जाते हैं। आखिरकार क्या बिहार में रोज़गार नहीं मिल सकता है, क्या उत्तर प्रदेश में रोज़गार नहीं मिल सकता है? आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो कैसे हाथ जोड़कर मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि आखिरकार सूरज कब उगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे। मन की बात करना छोड़ दीजिए, इनकी आहत एक वीडियो से हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जिसमें एक लड़का यूपी या बिहार का वो लड़का है जो बिना टिकट लिए हुए ट्रेन में सफ़र करता हुआ नज़र आता है, वो भी चालू बोगी में। किसी वजह से वो टिकट नहीं ले पाया तो एक लड़के ने उसे जमकर पीटा और उसमें वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पूछता हुआ कि तुम किस राज्य से जाते हो, आखिरकार उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग कब तक ट्रेनों में पिटते रहेंगे, आखिरकार ऐसे राज्य जो पूरे देश का सरोकार करते हैं, आखिरकार उनके लोग कब तक पिटते रहेंगे। सूरज सिंह आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं और जिन्होंने एक अनोखा तरीका प्रधानमंत्री से पूछने का नया तरीका निकाला है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सूरज सिंह के बारे में कैसा सोचते हैं, इनका अनोखापन आपको कैसा लगा, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।